हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेकर के जाना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक है, तो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला बात मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं बता दूं, 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, या फिर अगर 10th का एडमिट कार्ड नहीं हो, कोरोना बैच से थे आप, ठीक है, आपका एग्जाम्स नहीं हुआ था, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला था, देन आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जो 10th का एडमिट कार्ड होता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है, तो ये चीज़ का जरूरत होगा। साथ ही साथ 10th की मार्कशीट की जरूरत होगी, साथ में 12th की मार्कशीट का जरूरत होगा। ठीक है, ये तीन डॉक्यूमेंट हर एक बच्चे को नीड्स है। साथ ही साथ जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, उसके बाद या तो अगर आपने जो आपको अलॉट हुआ है सीट अगर उसको अपग्रेड करा रहे हो, ठीक है, देन यस अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको चाहिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करा रहे हो देन नो अपग्रेडेशन का फॉर्म चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप क्या पा सकते हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप पा सकते हो, वहाँ पर मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर वैसे होंगे जो वेस्ट बंगाल डोमेसाइल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल डोमेसाइल कैंडिडेट के लिए उन्हें उनके अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 पॉइंट जो आपका जो रिलीज हुआ था, ठीक है, डेटा जो रिलीज हुआ था वहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, ठीक है, कि जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर एससी एसटी ओबीसी ओबीसी ए ओबीसी बी ईडब्ल्यू एस कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसका रिजर्वेशन आप ले रहे हो, ठीक है, देन आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, इट मस्ट बी मेंशन दैट द कैंडिडेट्स बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर एंड सब कैटेगरी ऑफ ओबीसी ए ओबीसी बी और ईडब्ल्यू एस। ठीक है, इसका नेट आपको पढ़ने वाला है, ये उन बच्चों के लिए जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है उनको ना तो वेस्ट बंगाल डोमेसाइल का कैंडिडेट का जरूरत वेस्ट बंगाल के डोमेसाइल का जरूरत पड़ेगा, ना ही आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी सर्टिफिकेट पड़ेगा, और अगर आप टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट हो देन आपको टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। और ये जितना भी आपका रिजर्वेशन है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, देन उन लोगों को इन साइड डॉक्यूमेंट्स का नीड नहीं है। जो आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल है उनको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर लेकर के आना है, रैंक कार्ड लेकर के आना है, और साथ ही साथ डब्ल्यू बी जे का जो एडमिट कार्ड था उसको ले लेना है, उसके बाद 10th का आपको एडमिट कार्ड या फिर 10th का बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है, 10th का एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़, साथ ही साथ 10th का मार्कशीट, ठीक है, और 12th का मार्कशीट, ठीक है, इतना चीज़ सारे बच्चे को नीड होगा। साथ में एक आधार कार्ड ले लेना और 2 फोटो ले लेना, ठीक है, इतना चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो दिन, तो आपको मैंने बता ही दिया कि 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट एज वेल एज 12th का 10th का मार्कशीट, ठीक है, 10 और 12 दोनों का मार्कशीट, ठीक है, और उसके बाद जितना भी कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको नीड पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप ले करके आना। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ आउटकम्स आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिल सकते हैं। द प्रेजेंट अलॉटमेंट मे बी कैंसल्ड इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रेजेंट अलॉटमेंट ड्यू टू हिज और हर एकेडमिक स्कोर कैटेगरी सर्टिफिकेट, सच कैंडिडेट्स विल ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट राउंड विथ दियर रिवाइज एकेडमिक स्कोर कैटेगरी ईटीसी। ठीक है, अगर आपका किसी भी कारणवश, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी भी टाइप का दिक्कत आता है तो आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, कंसीडर्ड हो जाओगे नेक्स्ट राउंड में, ठीक है, रिवाइज्ड एकेडमिक स्कोर के साथ और रिवाइज्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, कि या फिर कैटेगरी आप जैसे, और मान लो ओबीसी में आपको अलॉट हुआ कोई सीट, ठीक है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है,
देन आप नेक्स्ट जो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका जनरल कैटेगरी पर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है देन कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट चॉइस अगर हुआ है ही सी हैज नो अदर ऑप्शन बट टू फ्रीज हिज और हर सीट सच कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन। अगर आपका फर्स्ट चॉइस अलॉट हुआ है देन आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, नो अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको सबमिट करना होगा एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज। और आपको सारा एडमिशन का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होगा, मतलब एडमिशन लेना होगा। ठीक है, P1 रिपोर्टिंग। ठीक है, हिज और हर प्रेजेंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल एंड ही और शी विल बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, और अगर आप अगले साइड अगर आप क्या करते हो एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हो, अगर आपको चॉइस वन का सीट अलॉट हुआ है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो देन आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा एंड नेक्स्ट राउंड में आप बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कैंडिडेट्स को कोई भी सीट ही अलॉट नहीं हुआ देन उस केस में क्या होगा, अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है देन आपको कोई भी प्रोसीजर कोई भी एक्शन लेने का जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक राउंड टू के लिए आप एलिजिबल हो एंड राउंड टू में आपको सीट अलॉट हो सकता है या फिर नहीं। अगर अलॉट होगा देन राउंड टू में प्रोसीजर करना होगा, अगर नहीं होता है देन फिर आप वॉकआउट करना होगा। ठीक है, अगर मान लो वैसा कोई कैंडिडेट जिसको फर्स्ट ऑप्शन छोड़ करके सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन कोई भी ऑप्शन अगर फर्स्ट को छोड़ करके अगर अलॉट होता है देन आप चाहो तो यस अपग्रेडेशन भी कर सकते हो और चाहो तो नो अपग्रेडेशन भी कर सकते हो। अगर यस अपग्रेडेशन करोगे तो राउंड टू का वेट करोगे, नो अपग्रेडेशन करोगे तो उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो दिस इज द पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन को हम आपको डिटेल में समझा दिए। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है देन आपको नीचे एक नंबर दिया गया वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें पर्सनली। ठीक है, अगर आपको लगता है राउंड वन में आपको कोई जैसे सीट नहीं अलॉट हुआ, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका कोई सीट नहीं अलॉट हो पाएगा, आपका रैंक खराब है, ठीक है, देन आप उस केस में अगर टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर अपने बजट में कोई नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो, वो CSE हो, IT हो, ECE हो या फिर कोई अदर ब्रांचेज हो, देन आप मस्ट भी कॉन्टैक्ट करो, नीचे जो नंबर दिया गया वहाँ कॉन्टैक्ट करो, वहाँ के थ्रू आपको डायरेक्टली एडमिशन करा दिया जाएगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय।